मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू योर चैनल डुअर। जैसा कि कल हमने बात की थी हाफ मिस्टेक्स और फुल मिस्टेक, या कह लें हाफ एरर और फुल एरर क्या होती हैं उसके बारे में, तो आज हम बात करेंगे कि जो आपकी स्पीड निकाली जाती है, जो वर्ड्स पर मिनट निकाले जाते हैं, वो एसएससी किन फैक्टर्स को लेके निकालती है। पर उसके पहले एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि इफ यू रियली थिंक यू कैन देन यू कैन, एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट देन बिलीव मी यू कैन नॉट, इन बोथ वेज यू आर राइट। मीन्स अगर आप सोचते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, वो काम कोई भी हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये काम नहीं कर सकते, तो बिलीव मी आप नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है कि आप जो सोचोगे आप वो बनोगे। तो इसी तरह अगर आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये पेशेंस का काम होता है, इतनी जल्दी ये नहीं आती है। तो आपको क्या चाहिए कि आप बिल्कुल अपना धैर्य न खोएं और बस लगे रहें। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो टाइपिंग स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो स्पीड है वो जो थी उससे दुगनी स्पीड हो जाएगी। बस आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि टाइपिंग एक स्किल है। एसएससी हमसे यही टेस्ट कराना चाहती है कि इस कैंडिडेट के अंदर स्किल है कि नहीं। तो आइए हम फिर डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स पर मिनट कैसे निकाले जाते हैं और उनका फैक्टर या उनका फिनोमेना क्या होता है निकालने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में तीन चार पोस्टें होती हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, एलडीसी की होती है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है, कोर्ट क्लर्क की होती है, और हाँ इतनी पोस्टें होती हैं। तो इसमें आपका जो एलडीसी है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट और जो कोर्ट क्लर्क है, इनके लिए 35 वर्ड्स पर मिनट का क्राइटेरिया एसएससी ने रखा है। फिर आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उनमें भी उन्होंने कैग के लिए 50 वर्ड्स पर मिनट रखा है। बाकी अदर पोस्ट के लिए ये क्लियर नहीं है, शायद 27 वर्ड्स पर मिनट ही है जो पिछले साल तक था, मतलब 2015 तक जो उनका क्राइटेरिया था। तो अब आइए देख लेते हैं कि कैसे वो वर्ड्स पर मिनट बनाते हैं, जो बच्चों के मन में काफी डाउट्स रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में कि स्पेस काउंट होता है कि नहीं होता है, तो जो एसएससी का फॉर्मेट है उसमें स्पेस काउंट होता है। और आपके जो 350 वर्ड्स कहा जाता है कि इस पैसेज में अप्रॉक्स 350 वर्ड्स आएंगे, वो स्पेस काउंट होके ही होता है। ठीक है, तो स्पेस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे आप लिखते हैं कि गीता एंड सीता, और गीता की स्पेलिंग है GITA, फिर स्पेस बार, तो स्पेस बार और GITA ये पांच कैरेक्टर्स माने जाएंगे, और पांच कैरेक्टर्स मिला के एक वर्ड आपका बनता है। ठीक है, तो आपका 350 वर्ड्स, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप उसमें जो आपको एसएससी एक तरह से, मतलब कि जो कैटेगरी है उसमें 5%, 7% और 10% का एरर हर साल वो देते हैं आपको, कि मतलब इतना एरर तक आप सेफ मोड में हो, इसके अंदर आप एरर करते हो तो आप एक तरह से सेफ हो। लेकिन ये कोई उनका स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने कितना अच्छा टाइपिंग किया हुआ है। 5%, 7%, 10% उसी बेसिस में किया जाता है। अगर सारे बच्चों ने एक भी एरर नहीं किया है, तो वहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एरर कुछ ना कुछ हो ही जाती है, तो इसलिए वो हर साल ऐसा होता है कि 5%, 7%, 10% का क्राइटेरिया वो देते हैं। तो ये जो अब जैसे मान लीजिए 10% है, तो 350 वर्ड्स का क्या हुआ, अगर आप 35 वर्ड्स आप गलत करते हो तो वो 10% हुआ। तो आपको 35 वर्ड्स के नीचे गलती करनी है। ठीक, मतलब आप कर सकते हो तो आप सेफ माने जाओगे, ये चीज़ है। वो तो जब रिजल्ट निकलता है तब वो बताते हैं कि उन्होंने कौन सा पैरामीटर लिया हुआ है, लेकिन 10% के लिए ऐसे कैलकुलेट होगा कि 35 वर्ड्स आप एरर करते हो 350 में से, तो वो आपका जो है वो 10% आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो सॉफ्टवेयर होता है एसएससी का, वो बाय डिफॉल्ट 5 से मल्टीप्लाई करके वो कर देते हैं। मींस आप 7 एरर करोगे, 7 वर्ड में आप गलती करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली इंटू 5 करके 35 हो जाएगा। मींस आपको 7 एरर से भी कम करनी है वहाँ पे। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हो सकता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो वो अपने आगे कैंडिडेट्स को थोड़ा कि वो कम एरर करें ऐसा वो कराते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन ऐसा सुना है। तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप अभी से मीन्स इतना एरर लेके क्यों चलोगे, आप 35 वर्ड्स पर मिनट अपने मन में बना के चल लो तो 35 एरर कर सकते हैं। आपको ये चीज़ नहीं बनाना है, आपको ये करना है कि आप 7 एरर जो है उससे कम एरर
ही रहे आपका, तभी आप सेफ मोड में हो। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि कुछ टाइपिंग इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि आप 7 एरर करोगे तो बाय डिफॉल्ट 5 से मल्टीप्लाई होके वो 35 हो जाएगा। 35 को आप जब डिवाइड करोगे 350 से तो 10% एरर शो करेगा। तो आपको यही करना है कि आप ये सोचो ही मत कि 7 एरर है या 35 वर्ड्स की एरर है। आप सिंपल ये करो कि पहले अपने टाइपिंग स्किल अच्छी कर लो, मतलब कि टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी कर लीजिए, और फिर उसको धीरे धीरे फिर आप अपना जो एरर है वो कम करते जाइए। ठीक है, फिर इसके बाद ये है कि बहुत लोगों का ये पूछना है कि सर मतलब हम कैसे अपनी स्पीड जो है वो बढ़ाएं। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है जो हर टाइपिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, हर बुक में आपको मिलेगा, और वो ये है, इसको रामबाण एक तरह से कहा जाता है टाइपिंग का, कि अगर आपकी टाइपिंग नहीं निकल रही तो आप रेगुलर अपने घर में 10-10 मिनट में, मीन्स आप अगर 1 घंटा दे रहे हो तो मतलब 10-10 मिनट के अंतराल पे आप ये चीज़ करेंगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें क्या है कि आपके सारे जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी आपके 26 जो अल्फाबेट्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं, और आपकी उंगलियाँ धीरे धीरे वो आपको याद होने लगता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसको आपको रेगुलरली करना है, बार बार करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो 20 से 24 होगी, 25 होगी, 30 होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको रेगुलरली इसको करना है। आप पैसेज कर रहे हैं, पैसेज करिए, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, इसके बाद आप फिर ये लाइन लिखिए, जो आपका वर्ड पैड का जो पेज होता है वो पूरा आप इससे फिल कर दीजिए, फिर आप रेस्ट करिए। ये नहीं कि आप इसको करते रहना, आप बहुत करोगे तो उंगलियाँ आपकी इधर उधर भागने लगेगी। तो रेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन ये है कि आपकी स्पीड जब नहीं निकल रही है तो आपको यही सेंटेंस बार 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 कई बार इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी अपने आप स्पीड बन जाएगी। हर बुक में हर टाइपिंग इंस्टीट्यूट इसी की मदद लेते हैं, इससे अतिरिक्त उनके पास भी सिखाने का कुछ नहीं होता है, बाकी आपको हार्ड वर्क आपको खुद ही करना रहता है, वो केवल गाइडेंस देते हैं। जो बहुत दूर किसी एरिया में भी अगर बच्चे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट में कुछ अलग सिखा दिया जाता है, आप कितनी मेहनत करते हो घर में रह के भी लड़के आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। फिर अब एक और कंफ्यूजन होता है कि पहले जो कॉन्सेप्ट था कि कॉमा के बाद कितना स्पेस देना है, और जो मिस्टर लिखते हैं या BA MA लिखते हैं उसमें कितना स्पेस देना है, तो अब जो एक नया फॉर्मेट आया है वो मैं आपको नया फॉर्मेट बता देता हूँ कि वो कैसे होता है, कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद आप जो है वो वहाँ पे 2 स्पेस देंगे, ये याद रखना है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन, जो ये वाला साइन होता है, अगर वो कहीं पे आ रहा है तो आपको वहाँ पे उसके बाद 2 स्पेस देना है, फिर कोई वर्ड लिखना है। इसी तरह अगर आपके पैसेज में कॉमा आ रहा है तो कॉमा के बाद आप केवल 1 स्पेस देंगे। कई बुक्स में दे रखा है कि वहाँ पे 2 स्पेस देना है, वो पहले का फॉर्मेट था। आपको जो नया फॉर्मेट आया है उसके अनुसार यही है कि कॉमा के बाद आपको 1 स्पेस देना है। अब जैसे हम लिखते हैं मिस्टर, मान लीजिए हमने लिखा कि मिस्टर संतोष, तो मिस्टर डॉट संतोष लिखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर डॉट के बाद अगर कोई कॉमा आता है तो वहां पे हम केवल 1 स्पेस देंगे, उस डॉट के बाद हम 1 स्पेस देंगे। इसी तरह अगर हम BA MA लिख रहे हैं कहीं पे, BA ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिर MA इसी तरह लिखते हैं, तो इनमें इस डॉट के बाद एक भी स्पेस नहीं आना, मीन्स वहां पे स्पेस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि B डॉट लिखा फिर स्पेस दे दिया, फिर A लिखा फिर स्पेस दे दिया, ऐसा नहीं। BA डॉट इसमें कोई स्पेस आपका नहीं रहेगा। इसी तरह जब नंबर आ जाते हैं 1, 2, 3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपको कोई स्पेस नहीं देना है, या ईयर आ रहा है 1991, 1992, तो आपको वहाँ पे स्पेस नहीं देना है। और आपको ये भी देखना है कि उस पैसेज में कैसा फॉर्मेट दे रखा है। और एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि जब हम एक लाइन पूरी करते हैं तो वहां पे जो फुल स्टॉप आता है, उस फुल स्टॉप के बाद, मतलब हर फुल स्टॉप के बाद जब हम इंड करते हैं एक स्टेटमेंट, तो हमें डबल स्पेस देना है या सिंगल स्पेस देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, SSC में खुद जब आप वहां पे जाएंगे, मैं मतलब अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, कि वहां पे जब आप जाओगे उनसे यही क्वेश्चन पूछोगे तो वो साफ कहते हैं कि पैसेज में आपका एक तरह से जो है वो, अगर आप सिंगल स्पेस दे के चल रहे हो तो सिंगल स्पेस देंगे, अगर डबल स्पेस दे के चल रहे हो तो डबल स्पेस देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले 1 स्पेस दिया, फिर इसके बाद आप दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो आपने 2 स्पेस देने शुरू कर दिए, फिर 1 स्पेस, ऐसा नहीं। वो यूनिफॉर्मली आपको बराबर बना के चलिए।
तो बिलीव मी बहुत ही आसान है, आपको बस ये कोशिश करनी है कि आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे करते रहें और किसी की कुछ ना सुने। और मैंने आपको सारे यहाँ पे बता रखे हैं कि ये लेटेस्ट फॉर्मेट कौन सा है, कितने स्पेस किसके बाद दिए जाते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो आपको ये बार बार लिखना होगा। हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक के लिए आप मेरी जो पहले की वीडियो है उसको देखिए, उस पर मैंने सारा कुछ क्लियर किया हुआ है कि हाफ मिस्टेक किसे कहते हैं, फुल मिस्टेक किसे कहते हैं। और फिलहाल आप फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक लेके चलिए मत, क्योंकि अगर इन टाइपिंग स्टूडियो वालों की बात सही है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 5x5 करके गलतियां दिखाता है, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं मेजर लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। तो आप इस चीज़ को माइंड पर रखिए नहीं, और डरना भी नहीं है कि 5 से होना है, क्योंकि इस चीज़ का कोई कंफर्मिटी नहीं है। ये केवल पता चलिए कि ऐसा होता है। अब हो सकता है कि वो अपने कैंडिडेट्स को एक सेफ जोन में पहुंचाने के लिए ऐसा उनके मन में बैठाते हो कि 5 से खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि सेफ साइड पे रहें और बिल्कुल एरर ना करें, और धीरे धीरे आप करते रहें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करिएगा, और अगर आपके मन में कोई और टाइपिंग से रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो आप, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत करेंगे, आप बस कमेंट करिए। और बाकी और भी सब्जेक्ट जैसे UPSC के हो गए, PCS के हो गए, तो उसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें अपना सुझाव दीजिए, हम एक नई वीडियो आप तक लाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।